और ये देखो मोर भी है यहाँ पे, जो हमें घर के बाहर दिखी थी वो यहाँ पे भी दिख गई। यार मैं अभी आके बैठा हूँ, मेरा एटीएम गया था, क्योंकि हम जा रहे एक स्पेशल जगह फॉर स्पेशल ओकेशन, तो हम वहाँ पहुँच के बताएंगे आपको कि हम कहाँ जा रहे हैं। अभी आप रास्ता इंजॉय करो एंड हम भी इंजॉय कर दें। सी यू। हाउ डू यू फील अबाउट योर ट्रिप? मज़ा आ रहा है, एक्साइटेड, वेरी एक्साइटेड। अभी हम जा रहे हैं एक जगह जो कि है गुड़गांव से, हिंट दे रहे हैं मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। तो गुड़गांव से है अराउंड 360 किलोमीटर्स। अब सर्च कर लो, पूरा रेडियस मैप पे जाओ, वहाँ पे रेडियस में देख लो 360। जब तक वो लोग सर्च करेंगे तब तक वीडियो में आगे देखेंगे, तब तक हम पहुँच भी जाएंगे। आई थिंक काफी लोग गेस कर लेंगे सही सही। तो अभी हम निकल गए हैं, हमने गुड़गांव क्रॉस कर दिया है। हम ऑलमोस्ट 50-60 किलोमीटर क्रॉस कर चुके हैं। ये देखो, ये है नदी जहाँ पे कभी कभी पानी नहीं आया, और ये है पुल जो कि अंग्रेजों के बाद कभी बना ही नहीं। कभी भी ये गिर सकता है, कभी भी इसका काम हो सकता है। तो अभी हम जा रहे हैं आगे, अब बीच में रुकेंगे, हमारा मन है थोड़ा खाने पीने का। तो अभी हम भूख लग रही है रिचा? नहीं, मुझे बिल्कुल भूख नहीं। ऐसे कैसे, जब लॉन्ग ड्राइव पे निकलते हैं चाहे कितने भी खा के निकलो भूख जरूर लगती है। अच्छा, या अगर आप कहीं ट्रिप पे निकले हो तो भूख तो हर आधे घंटे में लगना जरूरी है। मेरा वो आधा घंटा अभी तक हुआ नहीं है। तो अभी हम रुकेंगे कोई ढाबे में एंड वहाँ पे हम पकौड़े शकौड़े खाएंगे, क्योंकि एकदम मौसम हो रखा है बारिश जैसा। चाय पियेंगे, चाय तो चाहिए ही चाहिए। एकदम क्लाउडी हो रखा है, एक्सपेक्टेड तो है कि बारिश हो जाएगी। हमने देखा था कि फोरकास्ट में बारिश है, तो होपफुली हो जाए, नहीं तो बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है। वो है शानी अरावलीज जो राजस्थान में आते हैं, एंड हमने अभी क्रॉस किया है। नहीं बताएंगे बिल्कुल भी, वहीं पहुँच के बताएंगे वो आपको। बस ऐसे ही खाली ट्रैफिक मिलता रहे और हम झट पहुँच जाएंगे। आई थिंक अनदर 3-4 आवर्स में हम पहुँच जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन। मेरा रिचा रुके हैं बीच में नीम राणा के आगे। अब शायद आपको पता चल जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। नीम राणा के आगे हम रुके हैं किंग द ढाबा, बहुत फेमस ढाबा है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे खाएंगे हम अपना ब्रेकफास्ट, फिर हम ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे क्योंकि हमें जल्दी पहुँचना है। एंड रिचा अंदर वेट कर रही है। क्या खाओगे बताओ? मेन्यू नहीं है, नहीं। ये नहीं है, उससे मंगाते हैं। रिचा का आ गया है इडली सांभर, ये लो हैश करो जा। और ये है मेरे आलू प्याज का पराठा विथ वाइट बटर। हालांकि मैं वाइट बटर कम खाता हूँ, मैंने येलो मंगाया, बट लोगों को वाइट पसंद है पराठे के साथ, तंदूरी पराठे। उदित नारायण ने गाए इस टाइम पे, लाइक मैक्सिमम सारे मूवीज के। इमेजिन वो कितना गाना गाते थे। तब का टाइम ही ऐसा था जो 90s के सारे गाने उदित नारायण ही गाते थे। एंड जैसे अभी अरिजीत सिंह की मार्केट है, तब उदित नारायण का आई मीन टाइम था। मैं तो ये सोच रहा हूं कि इतना ये उदित नारायण डांस करते हुए गाना गाता था, तो मैं सोच रहा जो घर आता होगा तब कैसा आता होगा, गाना गाते आता था। बट बहुत अच्छा गाते थे। शाहरुख खान की सारी मूवीज में उदित नारायण होते थे क्योंकि वो मैच करती थी आवाज। नहीं, उनके पास सब आई गए, सब सबके ऊपर ही मैच करती है। हाँ, वो सर टाइप, बट एंजॉय करके गाते थे। मैं कभी स्टेज में देखो परफॉर्मेंस उदित नारायण का, हाँ, मजा आ जाएगा। कोट उड़ा उड़ा के नाचते हुए डांस करते, कोट पहन के आते हैं, और जब गाना गाते थे तो ऐसे झूम झूम के नीचे बैठ के कोट उड़ रहा है, अलग ही मजे में। और हम अभी 3 घंटे दूर है अपनी डेस्टिनेशन के। बता दे क्या कहाँ जा रहे हैं? चलो बाद में बताते हैं, थोड़ा आगे जाके थोड़ा और सस्पेंस देख लो। एंड अभी गाना चल रहा था मोहब्बतें का, आपको सुना देता हूँ पहले। इस गाने ने पढ़ाई खराब की है, स्कूल में पढ़ना लिखना छोड़ दिया,
सिर्फ प्यार किया है बच्चों ने। स्कूल का गेट तोड़ना बहुत जरूरी है, स्कूल का गेट अगर जिससे नहीं तोड़ा वो नहीं है वह कामयाब। तो हम ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं, अब जहाँ हम जा रहे हैं वो है यहाँ से 120 किलोमीटर्स एंड रिचा बैठी भी अंदर तो वहाँ पहुँच के अभी मिलते हैं। अभी हमारा चाय ब्रेक होने वाली है आगे थोड़ा, कि बहुत देर से हम ड्राइव कर रहे हैं। एक सेकेंड, ये पीछे हॉर्न बजाते हुए आ रहा है बंदा, पहले इसको जाने देते हैं फिर बात करते हैं। हाँ भाई चले जा तू, पहले तू मेरे घर जल्दी पहुँच जाएगा। तो जब से फास्टैग आया बड़ा सही सिस्टम हो गया, आराम से आप टोल में निकल जाते हो, कहीं रुकने की जरूरत नहीं होती, एकदम से वो स्कैन करता है आप निकल जाओ, कोई लाइन नहीं कुछ नहीं। ये तो पहले फास्टैग से पहले तो अलग ही मजाक होता था, जैसे ही टोल प्लाजा आने वाला होता था मूली टमाटर खीरा सब बिकना शुरू हो जाता था, लोग खड़े हो गए वहाँ खा रहे पॉपकॉर्न खा रहे मूंगफलियाँ खा रहे वहीं गिरा रहे, अलग ही सिस्टम अलग ही मेला लगा रहता था टोल के बाहर। अब वो सब ठीक हो गया है, अब लोगों को व्यू अपना टाइम की वैल्यू समझ आ गई और झट निकल जाते हो। ये लो आप व्यू एंजॉय करो। और हमारा टी ब्रेक, ये है मेरा स्पेशल चाय का कप, ये वहीं से गर्म हो जाता है, इसमें वायर लग जाती है एंड यहीं पे पूरे रास्ते आप गर्म करते आओ एंड चाय पियो। बहुत अच्छा हाईवे है ये। तो अब यहाँ से बचे हैं 90 किलोमीटर्स, और पहले हम पियेंगे चाय उसके बाद चलेंगे आगे। और ये बारिश भी शुरू हो गई एकदम से, अभी पीछे पूरा क्लियर था और एकदम से बारिश शुरू हो गई और काफी काले बादल है आगे। अब तो कोई लेट नहीं दिख रहा, बट यही चाहिए था। वे हम इतनी देर से सोच रहे थे कि बारिश मिल जाए, अच्छा मौसम हो। अब लोग आप लोग भी इंजॉय करो थोड़ी देर, सिनेमैटिक शॉट्स यही है, स्टेबल सिनेमैटिक शॉट। अच्छा है ना व्यू, बड़ा अच्छा, खाली खाली सा एकदम। फाइनली पहुंच गए अपने होटल एंड आप आपको अंदर जाके आराम से बैठ के बताएंगे कि हम आए कहाँ हैं। ये है हमारी प्रॉपर्टी, पता नहीं आपको दिख रही है नहीं दिख रही, बट मैं आपको सामने से आके दिखाता हूँ। बट बहुत अमेजिंग लोकेशन है, एकदम जंगलों के बीच में है, पहाड़ है छोटे 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 हिल्स है। ये है हमारी प्रॉपर्टी, बहुत अच्छी, ये ताज की प्रॉपर्टी है। रूम टूर दे देते स्टार्टिंग से, एंट्री से दिखाता हूँ आपको मैं। रूम एंटर करोगे, ये स्टाइलिश डेकोरेट किया हुआ है उन्होंने हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी के लिए। ये हो गया आपका टीवी शीवी, यहाँ पे पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं। ओ यहाँ पे आई थिंक बार है, ये लॉक्ड है, ये सब कुछ नहीं है इधर। ये हो गया आपकी स्टडी टेबल, यहाँ पे जो मेरी एडिटिंग होगी। ये झूला लगाया हुआ है यहाँ पे रूम के अंदर, जब आप बोर हो रहे हो आप झूला भी झूल सकते हो। एंड इधर वॉशरूम है, ये है इनका बड़ा प्यारा सा वॉशरूम, टब भी है। एंड एक बहुत जो सबसे बेस्ट पार्ट है वो है यहाँ की बालकनी एंड यहाँ का व्यू। चलो देखते हैं, रिचा ऑलरेडी बाहर है, कहाँ से जाना है ये। ओहो
ये देखो रिचा, ये है यहाँ का व्यू। वाह क्या व्यू है, पूरे पहाड़ी पहाड़। किधर? पूरे पूरा जंगल एरिया है एंड ये सिटी से थोड़ा सा दूर है, बट क्या व्यू है यार। इसी व्यू के लिए हमने ये होटल किया था। और ये देखो मोर भी है यहाँ पे, जो हमें घर के बाहर दिखी थी वो यहाँ पे भी दिख गई। बहुत अच्छा। अब आपको बताते हैं कि हम है कहाँ। तो अब आपको बताते हैं कि हम आए कहाँ है। एक बार एक सेकंड आपको दिखाता हूँ कहाँ है फिर निकलता। तो हम हैं पुष्कर में। वैसे तो काफ़ी आई थिंक काफ़ी लोगों ने गेस कर लिया होगा कि जब मैंने बताया कि हम जयपुर पहुँचने वाले हैं, या फिर जयपुर से 90 किलोमीटर दूर है, क्योंकि ये जयपुर से 3 घंटा दूर है अजमेर। तो अजमेर और पुष्कर बहुत पास पास है, बट हम पुष्कर में हैं। पुष्कर के पास एक प्रॉपर्टी है ताज की, तो हम ताज गेटवे में आए। क्यों आए चलो वो भी बता देता हूँ। हम आए हैं अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने। तो हम अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने आ रहे कि आए, और हमारी एनिवर्सरी है 11th को, बट हम जल्दी आ गए क्योंकि पूरा हफ्ता हम पार्टी करेंगे। पार्टी क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ है नहीं अभी खुला, तो हम नहीं है या रिजॉर्ट में घूमेंगे या थोड़ा बहुत बाहर चले जाएंगे। और आपको एक अच्छी चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो, ये है हमारा झूला जिसमें झूला झूलते रहेंगे। और रिचा भी सो रही है, रिचा बहुत थक चुकी थी ड्राइव पे, जब आई रास्ते में पूरा थक गई थी। बैक में थोड़ा सा अकड़ जाती है ना जब 7-8 घंटे गाड़ी में बैठे रहो, तो अभी वो रेस्ट कर रही है। तो होपफुली आपको ये ब्लॉग अच्छा लगेगा, हमारा ट्रैवलिंग वाला ब्लॉग। तो हमने ज़्यादातर सिर्फ ट्रैवलिंग दिखाई है, और कुछ इसमें दिखाया नहीं। जैसे हमारे बाकी के वीडियोज़ होते हैं जिसमें हम बाकी अपनी एक्टिविटीज़ दिखाते हैं, तो होपफुली आपने हमारा ट्रैवल ब्लॉग इन्जॉय किया होगा। कल हम आपको दिखाएंगे हमारी प्रॉपर्टी जहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं ताज की। बहुत सुंदर प्रॉपर्टी है, अमेजिंग प्रॉपर्टी, एकदम पहाड़ों के बीच में है। पहाड़ है एक तरफ एंड उसके बीच में एंड पीछे जंगल है। एंड हमारे जंगल में यहाँ पे मोर की आवाज़ अभी भी आ ही रही है पीछे, पता नहीं आपको सुनाई देगी नहीं सुनाई देगी, बट काफ़ी सारे मोर हैं यहाँ पे। तो कल वो शूट करेंगे होटल एंड अपना रिजॉर्ट दिखाएंगे एंड जो भी हम कल करेंगे। तो होपफुली आपको ये ब्लॉग अच्छा लगेगा, एंड अगर अच्छा लगा है लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड इन्जॉय करो। अब आपसे मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय।